हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। ये बिल्कुल फ्री है। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 40 ग्राम बटर लिया है और चीनी पाउडर लिए। आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। आइसिंग शुगर बनाने के लिए उसमें 250 ग्राम चीनी में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दें और चीनी पाउडर को मैंने पीस कर छान लिया था और इसे अच्छे से बटर में मिक्स करेंगे। इसे 150 ग्राम चीनी पाउडर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे एकदम क्रीम जैसा बना लेंगे। और देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और मैंने यहाँ पर हैंड बीटर या फिर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं किया है। एक स्पून से ही इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और देखिए ये कितनी अच्छी एकदम क्रीम जैसी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही मिक्स करेंगे, हमें इतनी ही फेंटनी थी, ज़्यादा नहीं इसमें फेंटना है। दही को हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे, एक साथ सारा दही मिक्स नहीं करेंगे। हम केक या ढोकला बनाते टाइम दही इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं, इसमें खटाई की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये वर्क नहीं करते, इसलिए हमें कुछ भी खटाई की आवश्यकता होती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया, अब हम इसे एक साइड रख देंगे। अब हमने जो ड्राई पाउडर और आटा लिया है उसे छान लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल गेहूँ का आटा लिया है और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा। टीस्पून चॉकलेट पाउडर लिया है। आपको यदि चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए है तो आप थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा मिक्स कर लें। चॉकलेट पाउडर आपको कहीं भी बेकरी शॉप या जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे। मैंने यहाँ पर पाउडर छान लिया है, अब हम जो दही वाला मिक्स था उसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मिक्सर अच्छे से मेल्ट नहीं हो रहा है तो हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल में दूध लिया है और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और घोलते जाएंगे। इस तरह से घोलेंगे और जब तक हमारा मिक्सर केक बनने के लिए तैयार नहीं होता कम से कम 2 से 3 मिनट घोल लेंगे। और इसमें मैंने 1 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आपको यदि ये फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप दूसरा कोई सा भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा दूध और मिक्स करेंगे और फिर इसे अच्छे से घोलेंगे। हमें इसमें मिक्सर में मीडियम कंसिस्टेंसी ही चाहिए, एकदम थिक कंसिस्टेंसी का नहीं बनाएंगे, इसलिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और घोलते जाएंगे।
यदि हम एकदम थिक कंसिस्टेंसी का केक बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और पक भी नहीं पाएगा, इसलिए हम इसे बढ़िया से घोल लेंगे। अभी केक बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म कर ली है और इसमें नमक नीचे डाल दिया है और इसे हम थोड़ा सा फ्री हीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है जिसमें हम केक बनाएंगे, उसमें मैं नीचे बटर पेपर लगा दिया है और थोड़ा सा ऑयलिंग के बाद इसमें मैदा छिड़क दिया है, जिसे एक्स्ट्रा है वो हम झड़ा लेंगे। और इसके बाद हम इसमें जो हमने मिश्रण तैयार किया था केक बनाने के लिए वो डाल देंगे। केक टिन में मैंने चारों तरफ अच्छे से पहले ऑयल लगा लिया था। इसके बाद हमने जो गैस पर कढ़ाई रखी थी फ्री हीट होने के लिए, उसमें हम केक टिन रख देंगे। इसमें मैंने गैस स्टैंड का इस्तेमाल किया है। इसमें हम केक टिन रख देंगे और ढक देंगे और गैस को मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे। केक पैक हो रहा है। केक बनकर तैयार है। अब हम इसे एक चाकू से चेक कर लेंगे। चाकू में यदि केक नहीं चिपकता तो समझ लीजिए हमारा केक बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम निकाल लेंगे। किनारों पर हम चाकू से इस तरह से कट करके हटाएंगे और एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा केक बनकर तैयार है। और हम इसमें जो बटर पेपर लगाया था वो अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए केक बहुत ही स्पंजी और एकदम बहुत टेस्टी बना है। आप इसे चॉकलेट सॉस या इसी तरह जैसे भी आपका मन करे इसे खा सकते हैं। और हमें केक बनाने के लिए 35 से 40 मिनट लगे हैं। आप इस तरह से केक बनाएं, खाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है।